प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जोहार। और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे पास्टर साहब को आपके सामने ला रहा हूँ जो कि बहुत ही संघर्ष के साथ अपना जीवन जिए हैं और एक अनुभवी पास्टर भी हैं, और जो कि रांची के नहीं हैं, वो बाहर के हैं। जब वे आएंगे तो अपना इंट्रोडक्शन खुद से देंगे, और मैं बताना चाहूँगा कि वे आप लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण होंगे। और चलिए देरी ना करते हुए मैं उन्हें आपके बीच में स्वागत करता हूँ। तो बहुत लोग इन्हें पहचाने और बहुत लोग नहीं पहचाने होंगे, तो मैं चाहूंगा कि ये खुद से अपना परिचय आप लोगों को बताएं। सबों को जय मसीह की, यीशु सहाय और जोहार। सो मैं अपना मेरा नाम रोशन मिज है और मैं लोधमा और कर्रा और खूंटी जिला का मैं रहने वाला हूं। और मैं आपको यहां पर आए हैं आपको कुछ अपने बारे में बताने के लिए। भाई सुनीत बैडी ने हमें निमंत्रण दिया और मैं खुश नसीब समझता हूं कि बहुत सारे जो है सिंगर लोग YouTube चैनल में मैं देखा और देखता हूं, तो उन लोग को देख करके लगता है कि शायद हम लोग भी यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं क्या, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मैं सौभाग्य समझता हूँ कि इन्होंने हमें निमंत्रण करके बुलाया ताकि मैं आप सबों को अपने बारे में कुछ बता सकूं। और जो है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं जो है बिल्कुल गांव से आता हूँ और प्रभु ने मुझे गांव से लेकर के जो है अभी आशीष देते हुए आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका घर कहाँ पर है। मेरा घर खूंटी जिला का लोधमा और कर्रा प्रखंड में है। अच्छा अच्छा और आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे पिताजी है और मेरे भाई बहन बहू लोग हैं, फिर पत्नी बच्चे लोग हैं। अच्छा, जैसे आप पास्टर साहब हैं तो आपके कलीसिया में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे कलीसिया में अधिक तो नहीं लेकिन लगभग 35-30 लगभग लोग होंगे। अच्छा, बाल बच्चे सब मिला करके। तो पास्टर साहब जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप सेवकाई में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं बिल्कुल गांव घर में था और मैं खेती बाड़ी किया करता था, साथ ही साथ जो है और भी शहरों में जा करके मैं काम किया करता था। अच्छा। और काम करते हुए घर का भी काम देखते थे, लेकिन जीवन में कोई शांति नहीं थी और जीवन बिगड़ा हुआ था, नशापान से लेकर के सारे चीज बुराइयों में फंसा हुआ था, खालीपन महसूस हुआ करता था, घर में भी कोई शांति नहीं थी। तो कब से आप सेवकाई में आए? मैं 2009 से सेवकाई में आया हूँ। अच्छा, सेवकाई में आए तो फिर कारण क्या हुआ कि आपको सेवकाई में आना पड़ा? कारण ये हुआ कि हम जब भटके हुए थे, यानी कहा जाए खोए हुए थे और सत्य को नहीं पहचाने थे, तो बिल्कुल घर में शांति नहीं थी, परिवार में शांति नहीं था, खुद का जीवन में शांति नहीं थी। बहुत कुछ करते थे परंतु कोई आशीष और शांति नाम का चीजें नहीं था। सो जब मैं चलने लगा तो मेरी उसी दरमियान शादी हो जाती है, युवा लाइफ से जब गुजरने लगा काफी। मतलब सेवकाई में आने से पहले? सेवकाई से आने से पहले जी। अच्छा अच्छा तो पहले युवावस्था में था तो बिल्कुल हम सब ही जानते हैं कि युवावस्था में लोग कैसा होते हैं, उसी प्रकार सारे बुराइयों को मैंने पकड़ कर चला, शांति नहीं थी घर में, व्यक्तिगत जीवन में भी नहीं। उसी दरमियान मेरे पिताजी ने मुझे शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद जब हम लोग विवाहित जीवन हुआ और चलने लगे पति पत्नी दोनों हम लोग, लेकिन कुछ ही दिन के बाद, साल दो साल गुजरने के बाद बिल्कुल कोई संतान दिखाई नहीं देने लगा। तो हमारे गाँव टोला मोहल्ला के जो लोग हैं सारे लोग इस प्रकार से बोलने लगे कि ये लोग निसंतान है और बहुत सारी भला बुरा बोलने लगे। और इस प्रकार से इस सारी चीजों का मैंने सामना करते हुए चल रहा, और चलते चलते काफी दिन गुजर गए, लगभग 7 साल गुजर गए, और 7 साल गुजरने के बाद भी मुझे कोई संतान की आशीष नहीं दिखाई देने लगा और हम लोग काफी परेशान में थे। उसी दरमियान बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम ओझा के पास चले जाओ और उनके पास चले जाओ, भगत के पास या तो मौलवी के पास चले जाओ। सारे लोग जैसा बोला वैसा मैंने किया और सबके पास गया, परंतु कोई जो है हमें उम्मीद नहीं दिखाई दिया जैसा हमको चाहिए था। उम्मीद के साथ गए लेकिन कोई उम्मीद मुझे नहीं मिला। साथ ही साथ उसके बाद जो है
आपका मैं मेडिकल के पास गया और डॉक्टरों ने मुझे चेकअप किया और हमारी दोनों पत्नी पति पत्नी को चेक हुआ, जिसमें बीज का चेक हुआ, खून चेक हुआ और भी कई चीज़ों का चेक हुआ, जिनके का चेक होते होते बहुत सारी चीज हमने रिपोर्ट में मिला और उस रिपोर्ट में ही लिखा गया कि आपका कुछ ठीक है और कुछ खराब है, दोनों में कमी है। और इस प्रकार से उन्होंने दवाइयाँ को लिखा और जब दवाई को उन्होंने लिखा और इस प्रकार से कहा कि आपको लगातार 3 महीना तक दवाई को खाना पड़ेगा और 1 महीना का दवाई का 5,000-6,000 रुपया उस समय दाम था, लगभग आज से मैं 12 साल पहले का बात कर रहा हूँ। और उस समय ऐसा हमारे साथ हुआ था और मैं उस दवाई को मरता क्या ना करता कहने जैसा है। और इस प्रकार से मैं दवाइयों को लिया और खाया लगभग 3 महीना तक लगातार कंटिन्यू, और खाने के बाद में भी हमारी दोनों पति पत्नी में जो दिखाई दे रहा है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दिया। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आप मतलब अपने शरीर के हर एक पार्ट का मतलब चेकअप कराएं, जैसा खून का, बीज का और जो होता है उन सारी बातों का आप चेक कराए, तो फिर अगला कदम आप क्या किए हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हमारे साथ इन सारी घटना घटने के बाद मैं और भी जो है चिंतित में पड़ा और बिल्कुल आप मुझे क्या करना चाहिए मैं कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु उसी दरमियान हमारे घर के बगल में जो है प्रेयर करने के लिए कुछ लोग आया करते थे और जब प्रेयर करने के लिए आया करते थे तो मुझे सख्त नफरत था मसीही लोगों से, और इस प्रकार से नफरत था कि मैं बहुत गुस्सेला व्यक्ति था पहले से और जिस कारण से मैं काफी गुस्सा हुआ करता था और लोग जाके हल्ला गुल्ला करते थे, इसे मुझे पसंद नहीं थी। परंतु मेरी पत्नी चुपचाप से उन लोग के पास में संध्या का समय में जा करके उन्होंने प्रेयर करा के चली आती थी, मुझे मालूम नहीं चलता था। और उसके दरमियान जो है उनके व्यक्तिगत जीवन में शांति तो थी, परंतु मुझे जब पता चलता था मैं एक ही बात बोलता था कि तुमको उधर जो है ईसाई लोग आते हैं, मिशन लोग आते हैं, उधर संगति करने नहीं जाना है। इस प्रकार से मैं बोला और बोलते हुए उनको ये बात भी हिदायत दिया कि अगर फिर से तुम ऐसा करेगी तो तेरा पैर को मार के तोड़ देंगे, लेकिन फिर तुमको मिशन होने या तो क्रिश्चियन होने नहीं दूंगा। और इस प्रकार मैं उनको बोला, लेकिन वो तो भी चुपके से वो कभी जब होता था प्रेयर उस समय चली जाती थी और प्रेयर करा के चली आती थी। और लेकिन वैसा में उनको काफी रिलैक्स महसूस होता था, शांति महसूस करती थी, साथ ही साथ घर में भी कुछ बदलाव आने लगा। उसी दरमियान उन्होंने बोले कि चलो मुझे संगति करने के लिए एक दिन लेके चलो, और तब मैं उनको ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनको छोड़ करके मैं फिर से वापस चला आया क्योंकि उस दिन चर्च मुझे ले जा रही थी। और उसके बाद मैं लौट गया और फिर मैं कभी चर्च नहीं गया, उसको छोड़ दिया, फिर शायद वो दिन वो नहीं जा पाई। उसी दरमियान फिर से दूसरा दिन, दूसरा संडे को जो आया मौका, तो उन्होंने बोले चलिए आज हमको कर्रा में जाना है और चर्च वहां पर हम लोग का होता था, वहां पर लेके जाने लगी, कम से कम आप जाओ चाहे ना जाओ लेकिन मुझे पहुंचा दो। और इस प्रकार से बोली तो मैं सोचा कि भाई चलो भाई पहुंचा देते हैं, उसके बाद मैं चौक तरफ घूमने चले जाऊंगा। लेकिन जब वहां पर उसको पहुंचाने गए, पहुंचा के मुझे लगा कि मुझे देखते हैं भाई ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा देख लेता हूं। और इस प्रकार से मैं चर्च में घुसा बैठा और जब मैं लोग सब आंख बंद के प्रार्थना कर रहा, मैं सबको देख रहा हूं भाई ये लोग क्या करता है, और इस प्रकार मैं देख रहा हूं। तभी उन्होंने सब खत्म प्रेयर होना, उसके बाद सब लोग खड़ा हुए और गीत गाने लगे, जीवन रूपी मोर डोंगा है हिलेला डोलेला डर लगेला प्रभु मुके लेके चलाओ। और ये गीत को मैं सुना, मेरे जीवन में जो है अद्भुत रीति से कोई शक्ति हमारे जीवन में आया और मुझे करंट सा पैदा हुआ शरीर में और मैं थरथरा के कांपने लगा और मुझको जैसा उन्होंने बोला मैं कुछ अलग सा भाषा यूज करने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। और तब उस दिन मैं बिल्कुल, उस दिन के बाद जो मैं वहां से रिटर्न हुआ बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा हमको महसूस लगा, मैं शांति महसूस करने लगा। उसके बाद जो है किसी के साथ मैं जैसा व्यवहार करते थे वो व्यवहार नहीं करने लगा। लेकिन काफी परेशानी हमारे साथ थी, तो भी चलने चलते 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 इस प्रकार से मैं प्रभु को पाया। परंतु चलते चलते ऐसा पाने के बाद और आनंद के साथ चलने लगा, लेकिन जब चलने लगा तो इस बात को फिर से मुझे सुनने के लिए मिला, देखो तेरा परमेश्वर, तुम तो क्रिश्चियन बन गया तो भी तेरा कोई संतान नहीं है।
और इस प्रकार मुझे और लोग धिक्कारने लगा, बहुत सारी बातों को बोलने लगा। परंतु मैं एक ही बात, एक दिन जब चल रहा था रास्ता में, एक भाई साथे साथे रोड में चल रहे हैं और बोल रहा है, साइकिल से जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो यार तुमको दूसरा शादी करना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं इस पत्नी से। और तब मैं एक ही बोला कि मेरा परमेश्वर महान है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो 99 साल के अंदर में अब्राहम और सारा को उन्होंने संतान दे सकता है, आज हमको भी देगा। मैं बड़े विश्वास के साथ उस भाई को जवाब दिया और उसके बाद ऐसे ही चलने लगे, बड़े विश्वास के साथ उनको बोला और चलने लगे। फिर ऐसे ही हम संगति में बने रहे, फिर चलते गए। एक दिन सुबह 10 बजे का बात है, मैं बैल और बकरी को लेकर के जंगल का किनारे चरवाही कर रहा था। उसी दरमियान मुझे अचानक हमारे आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छा गया, लग रहा था कि बिल्कुल शाम को 5 बज रहा है। और इस प्रकार अंधेरा छाया और ऐसा आवाज आने लगे कि बेटा तुमको मेरा सेवा करना पड़ेगा। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा आवाज है, मैं चारों तरफ देखने लगा किधर कौन है, कौन आवाज दे रहा है, कोई दिखाई देने नहीं लगा। मैं डर गया और मेरा शरीर का सब बाल जो है रोआ खड़ा हो गया और मैं बहुत सा डर सा महसूस होने लगा और मैं सोचने लगा कि भाई क्या हो रहा है मुझे। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं निकल रहा था, कुछ आवाज नहीं निकल रहा था, कोई दिमाग नहीं चल रहा था, सिर्फ एक ही बात मुझे बार बार सुनाई दे रहा था। 3 बार मुझे आवाज दिया कि तुमको मेरा सेवा करना पड़ेगा बेटा। और तब मैं सोचने लगा, लास्ट में मेरी आंखों से पानी आने लगा, रोने लगा और पानी गिरने लगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि मेरा आंख से आंसू गिर रहा है। और उसी समय मैं भी इधर से जवाब दिया, मुझे कोई और बोली ही नहीं निकल रहा था, एक ही बोली निकला, वो बोला कि आपका जैसा इच्छा मैं आपका सेवा करूंगा। और इस प्रकार से मैं बोला और उसके बाद थोड़े देर के बाद मैं देखता हूँ बिल्कुल अंधेरा मेरा गायब हो गया। और जब गायब हुआ मैं अलग सा महसूस करने लगा और मैं उस दिन के बाद मैं चलने लगा और मेरे पास्टर को बोलने लगे कि आप मुझे कुछ प्रशिक्षण चाहिए ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी मैं प्राप्त कर सकूं। तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आपको जैसे जानने का इच्छा हो गया परमेश्वर के बारे में, या फिर मतलब कुछ ऐसा आपके अंदर में एक आ गया जो कि आपका और गहराई की ओर में जानेगा, मतलब इस प्रकार की बातों को जानने की इच्छा हुई जी, तो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका सहयोग इसमें किसने किया जी। हमारे पास्टर आदरणीय पास्टर दानियल टोपो जो है हमको इस आगे जो बाइबिकली शिक्षा जो है उनको देने में उन्होंने मदद किया और मैं उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और सिखाया और मैं प्रतिदिन उसके साथ साथ सीखते हुए मैं बढ़ने लगा। लेकिन तो भी हमारे साथ जो समस्या था वो बना ही था, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद फिर मुझे एक आवाज़ आती है और परमेश्वर का भजन संहिता में लिखा है उन बातों, मुझे एक दिन रात के समय में 12 बजे मैं जब सो नहीं रहा था, प्रार्थना करने के बाद जब मैं सोने के लिए जा रहा था, उसी दरमियान मुझे एक मोबाइल में मैसेज आया और आवाज आया टिंग टिंग करके। उस समय 1600 नोकिया मॉडल का जो मुझे एक मोबाइल मिला था गिफ्ट में, उसी में आया और उसे ना मुझसे किसी से बातचीत हुआ था, उस आदमी से काफी दिन से करीब 1.5 साल से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन वो आदमी का मैसेज रात के समय में आया। और उसमें मैसेज को जब मैं खोल के देखा उसमें लिखा था यहोवा ने तेरी प्रार्थना को सुन ली। और तब मैं रात के समय में खुशी से भरा और मैं प्रार्थना के साथ सोया। और उसके बाद जब मैं कुछ दिन चलने लगे और तब पता चला कि मेरी पत्नी जो है उसका गर्भ में बच्चा ठहर गया। और इस प्रकार से 8वां साल के अंदर में जो है चलते चलते मैं चलने लगा और 8वां साल में परमेश्वर मुझे संतान की आशीष दिया और मुझे एक बेटी दी। और जब मैं इस प्रकार से चलने लगा मैं और मन लगा के प्रभु का काम करने लगा और साथे साथ चलने लगे और मुझे संतान की आशीष तो मिली परंतु मैं साथ साथ प्रभु का काम को भी करने लगा। और उसी दरमियान जब मैं दूसरा के लिए जब प्रार्थना करने लगे, एक 1.5 साल से लकवा ग्रस्त व्यक्ति था उसके लिए मैं प्रार्थना किया, 2 दिन केवल प्रार्थना किए और वो 1.5 साल से पड़ा हुआ था, लाठी पकड़ के भी नहीं चल पा रहा था सही से, वो व्यक्ति ठीक हो गया। और इस प्रकार से मैं अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर मुझे आशीर्वाद किया, बाद में दूसरों के लिए मैं आशीष का कारण परमेश्वर मुझको बना के इस्तेमाल करने लगा। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जब चलने लगे तो साथ ही साथ परमेश्वर मुझे और भी आशीषों को दिया। आज मेरे पास 3 बेटी हैं और मुझे परमेश्वर बहुत ही आशीष देकर
आगे बढ़ा रहा है। मैं ऐसा चाहता हूं कि परमेश्वर जो है मुझे गिफ्ट में टू व्हीलर बाइक भी मुझे फ्री में परमेश्वर मुझको गिफ्ट में दिलाया है, और आज मुझे फोर व्हीलर भी परमेश्वर ने दिया है और उसका सेवा मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बच्चों का आशीष से लेकर के मेरी सारी आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा करते हुए लेके जा रहा है। सो मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में ऐसा संघर्ष आया, आज भी परमेश्वर हमारे साथ है और मैं कई सारी बातों में परमेश्वर हमारा सहायता करता है, और वो परमेश्वर को हम जाने हैं जो परमेश्वर हमको सब कुछ देता है और वो परमेश्वर हमारा जीवन का करता है, और वही परमेश्वर जो है आज मैं कई जगह जाता हूँ प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और जो है ठीक करता है। इसी दरमियान जब मुझे परमेश्वर ने एक दिन बताया कि जब तुम आठवां साल के अंदर में मैं तुझको संतान की वारिस दे रहा हूं, अगर तुम भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करोगे उनको भी ऐसा आशीष मिलेगा। परमेश्वर मुझे इस प्रकार से आत्मा में अगुवाई दिया कि तुम जो है 8 साल के मैं तुमको बच्चा दिया, बच्चों का आशीष दिया, तो मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूं, और मैं तुमको ये कहता हूं कि अगर तुम भी ऐसे लोगों के लिए तुम प्रार्थना करोगे और उनको भी मैं आशीष दूंगा। और इस प्रकार से मैं हमारे भाई सुनील संगा के लिए जब मैं प्रार्थना किया, उनकी बहन राहिल संगा उनके लिए जब मैं प्रार्थना किया, वो लोग 3 साल तक उनके पास कोई संतान नहीं थी, और जब मैं उनके लिए प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने सुना और आज उनके पास एक बेटी दिया है और उनके पास संतान की आशीष दिया है। इस प्रकार से परमेश्वर जो है मुझे आशीष दिया है, और मैं जब लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर उनको आशीष देता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे, शादीशुदा होंगे जी, जिनके पास कोई वारिस नहीं है, कोई उनके बच्चे नहीं है, तो वैसे लोगों को आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को जरूर बोलें जी। वैसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे जैसा उस परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करेंगे तो आज भी वो परमेश्वर जो 99 साल के अंदर में उस संतान दे सकता है अब्राहम और सारा को, आज हमें दिया 8 साल के बाद में भी, आज आप सबों को भी अगर विश्वास करिएगा आपको भी परमेश्वर आपको संतान की आशीष देगा, क्योंकि उनके लिए कोई काम असंभव नहीं। हमने एक ही बात को विश्वास किया, गिनती का किताब में लिखा है उसका 23:19 में लिखा, मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं, मैं आदमी नहीं कि मैं इच्छा को पूरा ना कर सकूं। वो ईश्वर है और सारी इच्छा को पूरा करेगा। हम मनुष्य भूल जाते हैं, धोखा देते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु वो तो ईश्वर है, वो सब कुछ पूरा करेगा, इसलिए उन पर विश्वास करिएगा। तो आपको भी हमारी तरह हम जो आशीष पाए, हमारे लोग आशीष पा रहे हैं, तो आपको भी आशीष परमेश्वर देंगे। तो जैसा कि पास्टर साहब ने अपने जीवन में संघर्ष देखे एक कोई औलाद नहीं होने के कारण, और परमेश्वर ने इन्हें उन आशीषों से भी भरा, और आज के दिन में बहुत सारे ऐसे आशीषों से भरा है, और आज परमेश्वर ने इन्हें बोला कि तुमको मैं 8 साल में बच्चा दे सकता हूँ, तो इसी प्रकार से और कितने सारे लोग होंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें भी इनके द्वारा आशीष मिलेंगे। इस प्रकार से मतलब परमेश्वर ने इनके जीवन में बातचीत किया, और आज बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, शादीशुदा भाई बहन लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने औलाद की आशीष दी है, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रार्थना कराना चाहते हैं या फिर कुछ भी ऐसी बातों का शेयर करना चाहते हैं तो आप इनसे शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि इनकी वाइफ एक बार इन्हें लेके जा रही थी चर्च, तो ये परमेश्वर मतलब उस चर्च में क्या होता है, कैसे लोग करते हैं, इन सारी बातों को देखने के लिए आँख खोल के जो जैसा भाई पास्टर साहब ने बताया कि वो देख रहे थे, उसी वक्त में गीत गाया गया वहाँ पर, जीवन रूपी मोर डोंगा आए, और इस गीत को गा करके परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव भाई ने महसूस किया। तो मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए इस गीत को गाएं। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लागेला प्रभु तो लेके
तो लेके चला। सो हम भी ऐसा ही जीवन में थे और पूरा पाप का सागर में डूबे हुए थे। अगर आप भी डूबे हैं, प्रभु को उनको एहसास जब होगा जब आप उनके पास आइएगा। जब आते हैं, परमेश्वर मुझको जिस प्रकार से एहसास दिया कि तुम डूबा हुआ है, मेरे पास आओ, और उसी प्रकार मैं आया, मुझे आशीष दिया, आप भी ऐसा विश्वास के साथ आइएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि सचमुच में भाई का जो गवाही है बहुत जबरदस्त है, और ये तो अभी संक्षिप्त में बताएं, हो सके कितने साल परमेश्वर के मार्ग में चलने के बावजूद भी इनके जीवन में इन सारी बातों की कमी थी, जो ये अपने जीवन में एक खरस्ता था होगा। आज भी बहुत सारे ऐसे दर्शक लोग होंगे जिनके जीवन में इन सारी बातों की कमी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर में विश्वास करें, और जैसा कि पास्टर साहब ने किया, और आज इनके पास में सब कुछ है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, हर चीज़ परमेश्वर ने इन्हें दिया है बिना पैसा से, जैसा भी मतलब गिफ्ट के रूप में या किसी प्रकार से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए भी परमेश्वर ने उत्तम चीज़ों को रख छोड़ा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप पास्टर साहब के जीवन से, इनकी गवाही से जरूर आशीष पाए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को, इस गवाहियों को जरूर शेयर करें, और रूम के लिए भी एक आशीष का रूप हो जाए, होने पाए यह वीडियो। और चलिए फिर, बहुत टाइम हो चुका है और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, इसी प्रकार से मैं अलग अलग प्रभु के दासों को लेकर के आता रहूँगा। तब तक हमें आज्ञा दें। प्रेज द लॉर्ड। जोहार।